विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के हजारों पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोमवार से मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी तिरंगा यात्रा के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटवारियों की हड़ताल से नामांतरण और जाति प्रमाण पत्र के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। पहले 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश और तिरंगा यात्रा के माध्यम से पटवारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं, बावजूद इसके मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसी के चलते पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों का कहना है कि पिछले 25 सालों में वेतनमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में वेतन दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने पटवारियों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पटवारियों को ग्रेड पे 2800 से 3200 करने का ऐलान किया है। कर्मचारियों का हर वर्ग जो है आज परेशान है और इसलिए हर वर्ग आंदोलित है और हड़ताल कर रहा है, तो मध्य प्रदेश की जगह इसे हड़ताल प्रदेश बनाने का जो काम किया है वो भाजपा की सरकार ने किया है। चाहे OBC चयनित शिक्षक हों, चाहे वर्ग 3 के चयनित शिक्षक हों, या पटवारी हो, कोटवार हो, स्वास्थ्य संविदा कर्मी हो, किसी की भी तो मांग नहीं मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के पटवारी समयमान वेतनमान की वेतन विसंगित को दूर करने के साथ ही पदोन्नत की मांग कर रहे हैं। इसके पहले पटवारी 3 दिनों का सामूहिक अवकाश ले चुके हैं। भोपाल में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया था। अब पटवारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। INS न्यूज़ के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट।